ब्राजील में अमेरिकी संसद जैसे हिंसा पूर्व प्रेसिडेंट के हजारों समर्थक संसद सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन में घुसकर की तोड़फोड़, 400 लोग गिरफ्तार। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन के हेनान राज्य की 89% आबादी संक्रमित है। जापान में 15 जनवरी के बाद मामले बढ़ने की आशंका। नए आर्मी चीफ से भी भिड़े इमरान खान, कहा हमारी फौज ने इतिहास से सबक नहीं सीखा, वो अब भी सियासत कर रही है। इजराइल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, कोर्ट को कमजोर करने के लिए बिल आ रहा है, समलैंगिक अल्पसंख्यकों को होगा नुकसान। सेनेगल में सड़क हादसा, 44 की मौत, टायर फटने के बाद दो बसें टकराई, देश में 3 दिन का शोक घोषित। चीन में हिंसा, कोरोना टेस्ट किट बनाने वाली फैक्ट्री में लोगों को निकाला, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर दबाव के बक्से फेंके। ताइवान के आसपास चीन ने एक माह में दूसरी बार किया अभ्यास, ड्रैगन के मंसूबों से गहरा रहा शक, ताइवान को अपना मानता है चीन। नाइजीरिया के ईटो में बंदूकधारियों ने रेलवे स्टेशन पर बोला धावा, 30 से अधिक लोगों का किया अपहरण, 6 लोगों की हत्या। पीएम मोदी बोले इंदौर पूरी दुनिया में लाजवाब, भारत है स्किल कैपिटल, बन सकता है दुनिया का विकास का इंजन। उत्तर भारत में घना कोहरा, विजिबिलिटी घटी, मध्यप्रदेश के नौगांव में पारा -1 डिग्री, 5 राज्यों में कल से कम होगी शीतलहर। एयरो इंडिया 2023 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राजनाथ सिंह बोले मेक इन इंडिया में मेक फॉर द वर्ल्ड शामिल, अगले महीने होगा शो। बंगाल में बंदे भारत पर हफ्ते भर में तीसरी बार पत्थरबाजी, खिड़की के शीशे टूटे, किसी यात्री को नहीं आई चोटें। रायपुर में स्कूलों की टाइमिंग बदली, 7 की जगह अब सुबह 8 बजे से लगेंगी क्लासेस, ठंड बढ़ने पर जारी किया गया आदेश। छत्तीसगढ़ में 10 जनवरी तक शीतलहर की चेतावनी, कवर्धा सबसे ठंडा जिला, चिल्फी घाटी में जमने लगा पानी, सभी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम। अब तक पहले कारोबारी दिन बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स 846 अंक चढ़कर 60,747 पर बंद, निफ्टी भी 242 अंक उछला। नैमित्र विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चेटवा में 3 दिवसीय मेले का आयोजन, मेले में महिला के सोने के जेवरात चोरी, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट के बाद ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने लिया हिरासत में, रात में ऑटो चालक को छोड़ने के बाद सीने में दर्द हुई मौत, भीड़ ने किया हंगामा, गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र का मामला। 70 वर्षीय वृद्ध पर भालू ने किया हमला, जंगल में बकरी चुरा रहा था वृद्ध, जिला चिकित्सालय कटनी के रेफर, पवई विधानसभा के रेपुरा के ग्राम मलघन के जंगल की घटना। बलरामपुर में ताता पानी महोत्सव 2023 का आगाज, 14 से 16 जनवरी तक होगा आयोजन, बॉलीवुड सिंगर शान देंगे प्रस्तुति। 21 मांगों को लेकर करणी सेना परिवार का प्रदर्शन, भेल चौराहा पर बैरिगेड्स लगाकर रुका तो सड़क पर शुरू किया हनुमान चालीसा पाठ। भोपाल कोलार 6 लेन प्रोजेक्ट, 36 मकान, 20 दुकानें हटाई, कॉलोनियों की बाउंड्री वॉल भी हटेगी। श्रीनगर जैसा ठंडा मध्य प्रदेश, आज कोल्ड वेव का कहर, नौगांव में -1 डिग्री पारा। पंचायत प्रतिनिधियों से कमलनाथ बोले 8 महीने बाद आक्रामक होना, सरकारी अधिकारियों से हम हिसाब लेंगे, हमारी चक्की बहुत बारीक पीसेगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 2 हादसे, 7 की मौत, कोहरे के कारण कन्नौज में स्लीपर बस खड़ी ट्रक से टकराई, उन्नाव में भी बस ट्रक से भिड़ी। वाराणसी पहुंचा गंदा विलास क्रूज, 15 दिन में बांग्लादेश को पार करेगा, 4 दिन बाद पीएम करेंगे सबसे लंबी नदी यात्रा का शुभारंभ।